परसिस्टेंस ऑफ विजन दृष्टि निर्बंधता नाम सुना है क्या होता है भाई परसिस्टेंस ऑफ विजन किसे कहते हैं नहीं बोलेंगे क्या होता है अच्छा मान लीजिए ये पेन है ये आपके आंख के सामने है इसको हटा दिए तो हटने के कितने देर बाद तक आपको दिखाई पड़ती है एक सेकेंड एट सेकेंड और भाई कितने देर तक दिखाई पड़ती है कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपकी आंख के सामने से हटता है तो उसकी इमेज जो है आपकी रेटिना पे आफ्टर रिमूवल दैट ऑब्जेक्ट वन बाई सिक्सटीन सेकेंड तक क्या करती है परसिस्ट करती है यानी ये आपके सामने से हटा दिया मैंने इसे फिर भी हटने के कितनी देर बाद तक आपको दिखाई पड़ता है वन बाई सिक्सटीन रेक्टर ऑफ आई नोन एज परसिस्टेंस ऑफ यानी ऑब्जेक्ट आपके सामने नहीं है फिर भी उसकी इमेज आपके रेटिना पे पेस्ट कर रही है वो हमें दिखाई पड़ रहा जैसे इसका यूज करते हैं अभी तो ये पंखा है बंद है इसके तीनों ब्लेड आपको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं दिखाई पड़ते हैं ना ये है तीनों ब्लेड अगर इसको चला दे पंखा जब चलने लगता है तो सब मिलके एक हो जाता है ना लगता है एक ही ब्लेड है घूम रहा है ये क्यों होता है ये आपकी आंख के परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण ही होता है होता क्या है पेन दीजिए तीन टोन तीन पेन सारी कंजूसी पेन में ही दिख रही है देखिए मान लीजिए ये ब्लेड्स है फैन के ठीक ये आपकी रेटिना है तो अलग अलग क्यों दिखता है जब यहां देख रहे हो तो यहां से यहां ले गए तो एक बटे सोलह सेकेंड से ज्यादा हो गया तो तीनों आप अलग अलग देख पाते हो अब जब ये मूव करना शुरू करता है तो ये आपकी आंख के सामने से हटा और ये आ गया लेकिन बिफोर वन बाई सिक्सटीन सेकेंड आ गया Means, इस पहले ब्लेड की इमेज आपके रेटिना पे वॉश आउट नहीं हुई थी उसके पहले क्या गया दूसरा ब्लेड और दूसरा ब्लेड जब गया तीसरा आया तो वो भी वो बिफोर वन बाई सिक्सटीन सेकेंड यानी तीनों ब्लेड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं तो चलते हुए पंखे की तीनों पत्तियां आपस में जुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती हैं तो बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन होता क्या है एक ब्लेड की इमेज आपके रेटिना से वॉश आउट <coughs> आउट नहीं हुई थी तब तक उसके पहले ही दूसरी इमेज बन गई उसी के साथ कनेक्ट हो गई और यही कैरेक्टर जो है ये यूज होता है मूवी मेकिंग में कोई भी कैमरा है वो सिर्फ और सिर्फ पिक लेता है और साउंड रिकॉर्ड कर सकता है जो वीडियो बनाते हो तो वीडियो का मतलब ही बस यही है कि वो क्या कर रहा है ईच एंड एवरी मोमेंट का ढेर सारा पिक ले रहा है और वो पिक क्या है वो आपको जब देखना शुरू करते हो तो पहले की इमेज दूसरे के आने से पहले हटती नहीं है तो दोनों इमेज एक दूसरे में जुड़ जाती है और वो आपको वीडियो जैसा दिख जैसे कभी-कभी किसी का ढेर सारी फोटो आपके पास होती है और उसका बर्थडे विश करना होता है तो आप ही मूवी मेकिंग ऐप डाउनलोड करते हो ये आपके फोन में होता है और उस पिक्चर से आप क्या बना देते हो वीडियो जैसे आईफोन यूज करते हो कितने लोग यूज करते हैं भाई आईफोन एप्पल ठीक तो और भी होता है ऐसा नहीं है बहुत लोग यूज करते होंगे हाथ नहीं उठा रहे हैं तो उसमें एक लाइव इमेज की बात आती है लाइव इमेज में इस क्या होता है देखें हैं लाइव इमेज की नहीं लाइव इमेज समझ पा रहे हैं क्या होता है चलिए मैं दिखाता हूं आपको जैसे घबराइएगा नहीं फोटो खींचेंगे आपके सामने ही फोन से खींचेंगे तो फोन छोटा होता है ये टैब है थोड़ा आईपैड है टैब नहीं है ठीक तो इससे बड़ा होता है आपको दिखाता हूं और आपके सामने मैं डिलीट भी कर दूंगा ठीक ये देखिए फोटो इस आईपैड ने खींची है ठीक अब लाइव इमेज का मतलब क्या होता है फिर ये कैसे इससे जुड़ा है वो मैं समझा रहा हूं इस फोटो पे उंगली रख दीजिए दिखा Means, इसने एक क्लिक में कम से कम 500 सौ शॉर्ट लिया और बेस्ट एमंग डेम आपको डिस्प्ले कर दिया वो सारे शॉर्ट देखना चाहते हैं तो अंगुली रख दिया यानी क्या वीडियो टाइप लगा ना थोड़ी देर के लिए तो यही होता है क्या कि अब ये वीडियो टाइप मैंने तो लिया है पिक ही है और इसने भी खींचा पिक ही है लेकिन ये वीडियो टाइप क्यों लग रहा है क्योंकि अब वो इतनी जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा है कि एक इमेज की सॉरी हाँ एक इमेज जो है रेटिना से वॉश आउट नहीं हुई तब तक उसके साथ क्या हो गई दूसरी जुड़ गई और ये देखिए ठीक <laughs> मेरा डीएल था वो दोबारा जो आया तो <coughs> पहली इमेज रेटिना से डिस्प्लेस नहीं हुई तो ऐसी आधार पे मूवी मेकिंग तो चलचित्र का निर्माण होता है सिनेमा बनती है मूवी बनती है कोई किस गुण को ध्यान में रखे या जो कैमरा कहते हो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपके आई के इसी कैरेक्टर को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि दो इमेज जल्दी जल्दी जोड़ दीजिए जैसे जस्ट लाइक आप कंप्यूटर में एक होता है पावर पॉइंट होता है ना पावर पॉइंट में स्लाइड शो करते हो तो उसमें इतना छोटा ऑप्शन नहीं होता कि लेस देन वन बाई सिक्सटीन सेकेंड लेकिन आप मान लीजिए एक सेकेंड का भी उसमें टाइमर लगा दिए तो कुछ करना नहीं वो अपने आप क्या होता है स्लाइड होता है तो मूवी टाइप दिखने लगता है अपने आप आ रहा जा रहा तो वही अगर क्या करें टाइम गैप लेस देन वन बाई सिक्सटीन सेकेंड कर दें तो सारा कुछ एक दूसरे से जुड़ जाएगा यानी इतनी तेजी से स्लाइड करेगा कि हम आप क्या करेंगे फील ही नहीं कर पाएंगे कि वो पिक्चर है या वीडियो है कहने का मतलब बस इतना था कि वीडियो जो आप बनाते हो या कोई भी बनाता है के इसी स्पेशल करैक्टर को ध्यान में के बनाया जाता है और इसी करैक्टर के कारण हम उसको देख पाते हैं समझ पाते हैं क्या है क्योंकि देखो जैसे मैंने हाथ यहां से यहां किया तो अब कैमरा क्या लेगा पिक्चर ही लेगा जैसे नॉर्मल फोटो की जरूरत तो एक क्लिक करोगे वीडियो बना रहे हो यानी अब वो कैमरा क्या कि हर एक मूवमेंट का क्या है? एक पिक्चर लिया और उतनी ही तेजी से आपको दिखा दिया तो वो जो है स्टिल जो रुकता है वो नहीं हो पाता है लगता है हाथ कि वीडियो वगैरह जो बनता है वो आंख के किस गुण को ध्यान में रखकर बनता है परसिस्टेंस ऑफ विजन और परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु आँख के सामने से हटने के बाद भी एक बटे सोलह सेकेंड तक उसकी इमेज हमारी रेटिना पे बनी रहती है ठीक है लिखेगा ठीक है इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट परसिस्ट अपॉन रेटिना by वन by 16 second after the removal of that object किसी भी वस्तु का के किसी भी वस्तु के आंख के सामने से हटने के किसी भी वस्तु के आंख के सामने से हटने के एक बटे सोलह सेकेंड बाद तक

के इसी विशेष गुण को दृष्टि निर्बंधता कहते हैं। निर्बंधतापल लिखना चाहे तो लिख लीजिए चलते हुए पंखे की पत्तियां अलग अलग न दिखाई पड़ना मूवी मेकिंग लाइव इमेज ऑफ एडवांस कैमराज रात में खाते पीते ही समय ध्यान देना चाहिए कि इतना ना खा लें कि सुबह पिल्स खाना पड़े हाजमोला खाना पड़े क्लास में बैठ के ठीक है <laughs> तो रात में खाना ही थोड़ा कम खाइए कि सुबह क्लास में बैठ के हाजमोला ना खाना पड़े सुबह सुबह लिख लिए हो गया परसिस्टेंस ऑफ विजन और लिखी एक चीज जैसे आप कभी आई वाई टेस्ट कराए होंगे तो सुने होंगे देखे होंगे कहते सिक्स बाई कि नहीं इंग्लिश में लिखिए सिक्स बाई सिक्स विजन दृष्टि लिखो विजन लिखो सब किसी न किसी कोचिंग का नाम ही है नहीं लेकिन हमारा ध्येय ये नहीं है कि कोचिंग का नाम लेना है समझ पाए तो ठीक नहीं समझ पाए तो भी ठीक सुने होंगे सिक्स बाय सिक्स इसका क्या मतलब है कि एक आंख से छह किलोमीटर और दूसरी आंख से और छह किलोमीटर होता है ना सिक्स बाय सिक्स सुने होंगे ना चेक करते हैं है कि नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ दो लेंस होते हैं आंख में आंख में दो लेंस होते हैं अच्छा दो आंख है तो दो अलग अलग लेंस होते हैं ना, ना? एक ही में दो लेंस होता है कम देख दिया तो क्या करेंगे मिर्ची डाल देंगे उसमें छ बाय छे होते हुए भी चश्मा लगता है छे बाई छ होते हुए भी क्या होता है चश्मा लगता है ठीक क्या होता है और भाई कोई कोशिश करो ये सब पढ़ के आए होगा ना आपको पता तो था ही कि आई चलेगा क्लास में आई चलेगा मतलब टॉपिक आई पढ़ाई जाएगी तो वो कल आधा हुआ था तो उसके बाद ही तो होगा और कल मैंने बताया था कि आई और स्किन दो ही करना है तो ये तो पढ़ के आए होंगे थोड़े बहुत तो टाइम नहीं मिला था लैपटॉप लेने टैब लेने की तैयारी कर रहे थे क्या होता है पहले लिख लो फिर समझाते हैं देखिए सिक्स बाई सिक्स लिखे हो तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन में लिखा गया भिन्न में लिखा गया मैथमेटिक्स तो जानते ही होंगे ऊपर वाला हर है नीचे वाला अंश है क्या होता है जो भी है भाई मैं तो बायो पढ़ा रहा हूं मैं मैथ क्या जा रहा ठीक है तो ध्यान रखिएगा ऊपर वाला क्या होता है न्यूमरेटर होता है अंश होता है और नीचे वाला लिखिएगा इन दिस फ्रैक्शन इन दिस फ्रैक्शन फर्स्ट नंबर इन ब्रैकेट न्यूमरेटर सोज डिस्टेंस बिट्वीन ऑब्जेक्ट एंड आई एंड एंड सेकेंड नंबर इन ब्रैकेट डिनोमिनेटर यानी फर्स्ट मैं किसको मान रहा हूं सेकेंड किसको मान रहा हूं तो उसके साथ ब्रैकेट में लिखोगे तो याद रहेगा फर्स्ट नंबर को मैंने माना न्यूमरेटर को और सेकेंड नंबर डिनोमिनेटर सोज that distance from where from where any healthy eye can see that object any healthy eye can see that object अभी समझा रहे हैं मतलब हिंदी में लिखेगा इस भिन्न में पहली संख्या ब्रैकेट में अंश उस दूरी को दर्शाता है सॉरी पहली संख्या ब्रैकेट में अंश वस्तु और नेत्र के बीच की दूरी को दर्शाता है, वस्तु एवं नेत्र के बीच की दूरी को दर्शाता है तथा दूसरी संख्या ब्रैकेट में हर उस दूरी को दर्शाती है दूसरी संख्या पैकेट में हर उस दूरी को दर्शाती है जहां से कोई भी स्वस्थ आंख उस वस्तु को देख सकती है कोई भी स्वस्थ आंख उस वस्तु को देख सकती है अब इसका एक लाइन और लिख लीजिएगा फिर बताते हैं पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा इन इंडिया इट इज मेजर्ड इन मीटर भारत में यह दूरी मीटर में मापी जाती है इन इंडिया इट इज दैट डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर बट इन यूएस

ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सिक्स बाई सिक्स तब तो वहां लिखे हो फिट ट्वेंटी बाई ट्वेंटी तो भारत में यह दूरी मीटर में सिक्स बाई सिक्स तथा यूएस में अमेरिका में यह दूरी फुट में ब्रैकेट में ट्वेंटी बाई ट्वेंटी मापी जाती है अब देखो जैसे किसी का आंख टेस्ट करके सिक्स बाई सिक्स लिखा गया तो जो हर होता है यह आइडियल बताता है आइडियल बताता है कि जो चीज आपको दिखाई जा रही है हेल्दी आंख उसको कहां से देख लेती है छह मीटर की दूरी से देख पाती है अब आप देखो अगर आप भी छह मीटर दूरी से देख लिए तो ऊपर भी क्या लिख दिया जाएगा सिक्स बाई सिक्स यानी अब इस विजन को क्या कहेंगे हेल्दी विजन पुअर विजन क्या कहेंगे healthy. इसमें हेल्दी वाली कौन सी बात है नॉर्मल विजन है सुन लो समझ लो फिर पेन चलाना मतलब छह मीटर से देखना चाहिए छह मीटर से आप देख पा रहे हैं यानी ये क्या हो गया नॉर्मल विजन अगर ये लिख दिया जाए पांच बटे समझिए बात इसका मतलब क्या होता है मीन्स जो चीज आपको दिखाई जा रही है वो कोई भी हेल्दी आई कितनी दूरी से देख सकती है है तो नीचे डिनोमिनेटर में में हर में जो संख्या लिखी है, वो आइडियल कंडीशन बताती है कि यानी आपको देखना चाहिए उतना दूर से वो हेल्दी आई उतनी दूर से देख लेती है और ऊपर वाला जो डिजीज है डिजिट है ये आपकी क्षमता बताता है यानी आपकी आंख उसको कहां से देख पाती है यानी आपको देखना चाहिए था नीचे वाला बताता है छह मीटर दूरी से लेकिन छ मीटर की दूरी से आप नहीं देख पाए आपको और पास ले गया, गया और आप कहां से देखे पांच मीटर की दूरी से यानी मीटर से देखना था और पांच मीटर से देख रहे हो तो विजन कैसा हो गया पुअर विजन हो गया दूर से नहीं देख पाए बहुत क्या है पास ले जाके देखे तो ये क्या हो गया पुअर विजन अगर लिख दिया जाए ऐसे सेवन या ऊपर कुछ भी लिख दिया जाए फिफ्टी बाई सिक्स तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज दिखाई जा रही है आपको वो देखना कहां से कितनी दूर से चाहिए छ मीटर से लेकिन आपकी आंख इतनी अच्छी है कि छे के आप सात आठ दस मीटर तक दूर से देख ले रहे हैं तो उसे कैसी दृष्टि कहेंगे गिद्ध दृष्टि नहीं लेकिन कोई डॉक्टर ये जल्दी देता नहीं है हेल्थ डिवीजन का सर्टिफिकेट क्यों क्योंकि फिर उसके बहुत सारे आपको टेस्ट उसको टेस्ट करना पड़ेगा जहां-जहां उस सर्टिफिकेट को आप लगाओगे डॉक्टर से क्रॉस चेक किया जाएगा बहुत कुछ पूछा जाएगा कि क्या-क्या चेक किया हेल्दी कैसे बताया तो डॉक्टर क्या करते हैं चेक भले से ना करें सबको पकड़ा देते हैं छह बाय छह ले जाओ कोई पूछने वाला नहीं है नॉर्मल है तो इसमें पहली संख्या ऊपर वाली संख्या आपकी आंख की क्षमता बता रही है कि आप कहां तक देख पा रहे हो और नीचे क्या है वो आइडियल कंडीशन बताया जाता है कि कहां से देखना चाहिए था छह मीटर से आपको देखना चाहिए था छह मीटर से आपने देख भी लिया तो क्या है नॉर्मल हो गया छह मीटर से आपको देखना चाहिए था लेकिन आप देख कहां से पाए पांच मीटर से यानी उसके नजदीक चले गए दूर से आप नहीं देख पाए यानी वो क्या है पुअर विजन है हेल्दी विजन कब कहा जाता है जब 6 मीटर से देखना चाहिए और आप उसे अधिक दूर से ही उसे क्या कर पा रहे हो देख पा रहे हो तो वो क्या हो जाता है हेल्दी विजन तो सिक्स शिक, बाई सिक्स का मतलब समझे ना क्या होता है तो सिक्स बाई सिक्स का मतलब कि आपकी आंख चेक की जा रही किसी नॉर्मल स्टैंडर्ड पैरामीटर से तो वो पैरामीटर हमारे यहाँ मीटर में होता है और वो 6 होता है नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए यही चीज आप अमेरिका जाके आप आग टेस्ट करवाएंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है छह मीटर में बीस फीट ही लगभग होता है ठीक है तो वो वहां आप अपने यहां उस देश में कहा क्या होता है यही चीज फिट में चेक करते हैं उनका स्केल क्या है फिट में है तो ट्वेंटी बाई ट्वेंटी चेक करते हैं तो वही अगर ट्वेंटी बाई ट्वेंटी में एग्जाम में पूछे तो ट्वेंटी बाई ट्वेंटी मतलब तो ट्वेंटी फिट की दूरी से देखना था आप भी देख लिए यानी नॉर्मल हो गया ये 18, 15, 70 कुछ भी आ जाए लेस देन 20 हो गया तो यानी 20 फीट की दूरी से देखना था आप उससे कम दूरी से देख पा रहे हो यानी आपका विजन क्या है पुअर विजन है और ये कुछ ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो इसका क्या मतलब है हेल्दी विजन तो बात समझ में आई है ना चलिए ये हो गया